नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हैशटैग डियर पेरेंट्स में और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कल हमने बात की थी स्कूल में कई मदों पर ली जा रही फीस के बारे में, जिसमें पता चला था कि स्कूल हर साल बुक्स और पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत बदलाव करके नई बुक्स लेने पर दबाव बनाता है अभिभावकों पर साथ साथ। लेकिन यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड ने एक्शन इस पर लेते हुए पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करने और एनसीईआरटी की किताबों में सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने 2018-19 के सत्र से लागू करने का प्रस्ताव बोर्ड ने सरकार को भेज दिया है। वहीं अगर बात करें स्कूलों में शुल्क निर्धारण नीति की, तो गाजियाबाद में स्कूलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे दो अभिभावक नीरज भटनागर और सीमा त्यागी डिप्टी सीएम से मिले लखनऊ पहुंचे और वहां पर अपनी मांगों को डिप्टी सीएम के सामने रखा। आपको बता दें गुजरात में फीस रेगुलेटरी एक्ट के तहत फीस स्कूलों की फिक्स होती है। जैसे प्राइमरी की यहां पर बात करें तो प्राइमरी में सालाना 15,000 रुपए और दिल्ली में आपको बता दें 15,000 से ज्यादा तो पहली क्लास के बच्चे की ही फीस है। गुजरात में सेकेंडरी में 25,000 और हायर सेकेंडरी में सालाना 27,000 रुपए फीस फिक्स है। अगर बात है कोई स्कूल बिना प्रोसेस के फॉलो किए बगैर अगर फीस बढ़ाता है तो उन्हें अभिभावकों को डबल फीस वापस करनी होगी, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है और कई राज्यों के अभिभावक फिक्स फीस की मांग के लिए बिल लाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनसे हम बात करेंगे जो खुद डिप्टी सीएम से जाकर मिले और अपनी स्कूल के खिलाफ जो मनमानी हो रही है उनके लिए आवाज उठाइए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गाजियाबाद से अभिभावक नीरज भटनागर, साथ साथ हमारे साथ हैं नीरज मलिक, वो भी अभिभावक हैं गाजियाबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज मलिक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप अभिभावक हैं तो एक अभिभावक के तौर पर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, तो क्या कुछ आपको दिक्कतें हैं, क्या कुछ शिकायतें आपको स्कूल प्रशासन से हैं? देखिएगा, दिक्कतें तो क्या हैं कि जिस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है उसमें आप अगर बच्चा सेम स्कूल में क्लास भी चेंज करता है, मान लीजिए बच्चा क्लास फर्स्ट से सेकंड में भी आता है, तो वो एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, कोजन मनी, वो इस तरह के इतने चार्ज लगा देते हैं पेरेंट्स पे कि जो टोटली इल्लीगल है। यानी कुल मिलाकर जो कई मदों में फीस लेते हैं उससे आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जायज फीस है वो आप देने को तैयार होते हैं, लेकिन जो बेफिजूली की फीस होती है उससे आप परेशान हैं। जो जायज है वो आप ले, लेकिन आप अपनी तरफ से जो चीज 2010 जनवरी 2010 से इल्लीगल है जी, ये जो आप चार्जेस लेते हैं ये 2010 से इल्लीगल है, लेकिन आप फिर भी उस पेमेंट को लिए जा रहे हैं और आप अगर पेरेंट्स उसकी कहीं पे शिकायत भी करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जिनके भी अंडर ये सब स्कूल आते हैं वो इस पे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जितने भी जो आज की तारीख में पिछले 10-15 साल में जो स्कूल खुले हैं ये स्कूल एक एजुकेशन एक पवित्र काम है, नॉन प्रॉफिटेबल काम है। इसमें बिजनेसमैन इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं और आपके अफसर साई हैं या आपके नेतागण हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस उन्होंने बना दिया है, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे। हाँ, इस तरह का व्यापार स्कूल में हो रहा है। चलिए बिल्कुल, नीरज भटनागर जी, आप कई महीनों से जो देख रहे हैं गाजियाबाद में, आप इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार सरकार के सामने, इसकी मांग उठा रहे हैं कि स्कूलों के लिए जो मनमानी फीस होती है इसके खिलाफ सरकार कुछ करे, बिल पास करे। आप खुद लखनऊ गए थे, आपने डिप्टी सीएम से मुलाकात की, क्या कुछ वहां पर रहा, क्या कोई उम्मीद आपको लगी है कि इस बार कुछ आपकी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, हम करीबन पिछले 5 साल से इस फी बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसमें बीच में अब ये हमारे सामने तीसरी गवर्नमेंट है, बसपा की गवर्नमेंट, सपा की गवर्नमेंट आके चली गई और अब ये तीसरी गवर्नमेंट बीजेपी की है। और जब सीएम साहब मिस्टर योगी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने सबसे पहला एजेंडा यही रखा था कि हम यूपी के अंदर भी अन्य राज्यों की तरह फी रेगुलेटरी बिल लेके आएंगे, जिसके लिए हम लगातार सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में हमारे जो गाजियाबाद, साहिबाबाद और मुरादनगर क्षेत्र के तीनों विधायक हैं, जिसमें माननीय राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, साहिबाबाद से विधायक माननीय श्री सुनील शर्मा जी और मुरादनगर से हमारे विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, इन तीनों ने हम लोगों को सहयोग किया और इन तीनों के माध्यम से हम डिप्टी सीएम साहब से मीटिंग करने अभी 24 तारीख को गए थे। ठीक है, जहां तक इस मीटिंग की बात है, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आई जिसमें कुछ लोगों ने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले सरकार के सामने ये पॉइंट रखा है कि आप फी रेगुलेटरी बिल नहीं लेके आ सकते या लाने में दिक्कतें हैं क्योंकि अन्य राज्यों में आए हुए फी रेगुलेटरी बिल स्टे हैं, जैसे तमिलनाडु का उन्होंने उदाहरण लिया, दिल्ली का लिया, गुजरात का लिया। हमने वहां पे मंत्री जी के सामने सारे तथ्य रखे, तमिलनाडु के अंदर बिल में कोई स्टे नहीं है, गुजरात के अंदर कोई स्टे नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई स्टे नहीं है।
फिर इन लोगों ने जो ब्यूरोक्रेसी है स्पेशली, जिसमें अभी जो समिति बनी है उस समिति की तरफ से शायद ये बताया गया डिप्टी सीएम साहब को कि जो टीएमए पाई 2002 का ऑर्डर है, जिसका जिक्र आपके ही प्रोग्राम में इससे पहले मिस्टर सुभाष जैन जो फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ स्कूल के हैं वो भी कर चुके हैं, वो स्कूलों को एक ऑटोनोमी अधिकार देता है, एक ऑटोनोमी देता है कि स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकता है। लेकिन वो यहाँ पर अधूरी बात करते हैं, वो पूरी बात नहीं करते। अभी हाल ही में फरवरी 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर है। ऑटोनोमी का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गर्दन पे तलवार रख दें, बिल्कुल। नंबर एक, ऑटोनोमी का मतलब है आपका वो जो फीस का बढ़ाने का दायरा है वो रीजनेबल और अफोर्डेबल बेसिस पे होना चाहिए। तो आप जो भी फीस डिसाइड करेंगे वो आपके लिए अफोर्डेबल हो, वो आपके लिए रीजनेबल हो, मेरे लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो ऑटोनोमी का मतलब है ये नहीं है कि आप उसमें से लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि आप एक चैरिटेबल संस्था हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने, अभी आपने सुना होगा जो फरवरी वाला आदेश है, उसमें बड़ा क्लियरली कहा था कि जो भी स्कूल डीडीए की लैंड पे बने हैं, यानी सरकारी, इससे सरकार से जमीन लेके बनाए गए हैं, वो या तो सरकार से परमिशन लेंगे, और अगर वो परमिशन नहीं लेना चाहते तो वो उसको वापस करेंगे। तो इस तरह की जो भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां थी, जो ऑर्डर पेरेंट्स के फेवर में थे, उन पे ऑर्डर्स को सरकार को नहीं बताया गया, लेकिन हमने वहां पर। अच्छा, चलिए, यहाँ पे नीरज मलिक भी हमारे साथ, आपसे जानना चाहूंगी, आपका बच्चा, आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ता है और आपका जो एक एनुअल फीस होती है लगभग कितनी आपको देनी होती है? मेरा बेटा अभी 9th क्लास में आया है और स्टार्टिंग से वो एक ही स्कूल में है। अच्छा, तो हमने स्कूल चेंज नहीं कराए हैं जी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 साल में हर साल हम कम से कम 15,000 रुपया एनुअल चार्ज ईयरली, वो अलग से, ठीक है जी, जो फीस है अदर चार्ज है वो अलग है, लेकिन जो एनुअल चार्ज है 15,000 ईयरली वो ले लेते हैं सेम स्कूल में क्लास चेंज करने पर ही। तो आप लगा सकते हैं इन्हें 1.5 लाख रुपया वो इलीगल हमसे ले चुके हैं। अच्छा, और ये जो स्कूल ड्रेस की बात करें, बुक्स की बात करें, शूज की, चलिए बुक्स तो चलिए चेंज हो जाएंगे क्योंकि अगली क्लास के लिए नई क्लास होती है तो चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक बच्चे की स्कूल ड्रेस की साइज होती है, बुक्स की होती है, एकदम से चेंज नहीं होती है, तो एक आध साल वो पहन सकता है, तो क्या हर साल आपको ड्रेस, बुक्स और ये कहते हैं शूज, ये सभी चेंज करना पड़ता है? ये हाँ, स्कूल के ये भी समझ में नहीं आता है कि वो हर 1-2 साल के अंदर ड्रेस चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, सेम स्कूल में, तो आपको पेरेंट्स पे फिर एक नया लोड आ जाता है, आपको ड्रेस भी स्कूल से लेनी है, आपको बुक्स भी स्कूल से लेनी है, यानी हर वो चीज जो एक एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो आपने स्कूल से ही लेनी है, आप बाहर से नहीं ले सकते। यानी जो इस साल की ड्रेस थी जो अगले साल बच्चा पहन सकता था, वो कहीं ना कहीं वो एक बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कचरा उसका जी। हाँ जी, और एक मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यूएसए में भी है, अगर जब बच्चा क्लास चेंज करता है, मान लीजिएगा बच्चा 7th से 8th में आया है, तो जो पुरानी बुक्स हैं वो स्कूल ले लेते हैं। अच्छा। और जो बच्चा 6th से 7th में आया है वो बुक्स उनको मिल जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं यूजफुल होती है कि हाँ, यूजफुल होती है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, जब मनमानी चल रही है, उसको साफ निकल कर, जब हम छोटे थे तो हम भी इस तरीके से किया करते थे, लेकिन अभी क्या है कि वो किसी, मान लीजिए हिंदी की बुक है या इंग्लिश की बुक है, उसमें 1-2 चैप्टर चेंज कर देंगे, ठीक है। अब 1-2 चैप्टर आपने चेंज कर दिया, फिर वो बुक बेकार हो गई, तो आपको नई लेनी ही पड़ेगी। जो बुक बाहर आपको 50 रुपए में मिलती है, वो बुक वहाँ पे आपको 250 रुपए 300 रुपए में आपको मिलती है, आपके स्कूल से लेने के लिए प्रेशराइज्ड अभिभावकों को, और आपको उसकी कोई पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलती है। एक गेट से वो आपसे पैसा लेंगे, आपको एक स्लिप देंगे, दूसरे गेट पे आप वो स्लिप दीजिएगा ले जाके, ठीक है जी, और वहाँ आपको वो बुक दे देंगे, सेट बना के रखा हुआ है, और वो स्लिप आपसे ले लेंगे। यानी अगर, यानी कि कुल मिलाकर वो कई मदों में, यानी छोटी छोटी एक्टिविटीज के नाम पर, या फीस, शूज, बुक्स, मतलब बहुत सारी चीजों के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर प्रूफ नहीं है, आपसे ले रहे हैं, आपके कोई प्रूफ नहीं है, आपने इसका पेमेंट किया है, प्रूफ भी नहीं है। अब आप बताइए, प्रूफ भी अपने पास रख लेंगे, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप प्रूफ दे दो। चलिए, इन सारी दिक्कतों से निपटने के लिए यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि लीगल तरीके से इसका एक समाधान निकला जाए, एक यूपी गवर्नमेंट से, जैसे कि नीरज जी यहाँ पर आप मिले हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट आप लोग काफी महीनों से यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या अभी तक कोई इसके लिए समाधान क्यों सरकार ने नहीं निकाला? क्या आपको लगता है कि अगर योगी उत्तर प्रदेश की महज यहाँ पर बात करें प्रशासन की, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक उनके कानों तक ये सारी बातें नहीं पहुंच रही है? जो पेरेंट्स का आक्रोश है, जो एक शिकायत है स्कूल प्रशासन के लिए, क्या उनको
अंधेरे में रखा जा रहा है, क्या आपको लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सरकार को बिल्कुल अंधेरे में रखा जा रहा है। जो कुछ अफसर शाही स्कूल वालों के साथ मिलकर सरकार को भ्रम पैदा कर रही है, इसके लिए हमने डिप्टी सीएम साहब को बहुत सारे एविडेंस दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, और उन्होंने उसी वक्त में जब हमारी मीटिंग चल रही थी, उन्होंने उसी वक्त में जो कमेटी बनाई गई है, उन कमेटी के पदेन जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको भी वहां पे बुलाया। हम लोगों की करीबन एक डेढ़ घंटा मीटिंग चली। क्या कुछ हल निकला बताएं? जहां पे उसमें बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात की, और उसमें जो संजय अग्रवाल जी जिन्होंने अभी नया नया चार्ज लिया है, उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया है कि वो इस पूरी कोशिश में है कि जून के अंत तक जो सत्र आ रहा है उसके अंदर हम फी रेगुलेटरी बिल ले आए, नंबर एक। नंबर दो, वो बिल के ऊपर उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वो बिल गुजरात और हरियाणा से बेहतर होगा, और बेहतर यानी हाँ जी, इसमें स्कूल और अभिभावक को दोनों पक्षों को बराबर स्थान मिलेगा, दोनों की बराबर जो भी समस्याएं हैं उनको निवारण करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ उन्होंने एक और विश्वास दिलाया है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट मान्य इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का 2007 का ऑर्डर है, वो उसको एक बार दोबारा से देखेंगे। हालांकि उस ऑर्डर पे कोई स्टे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ समय मांगा है, तो हमें उस अधिकारी को समय दे देना चाहिए, और हमने उन्हें दिया भी है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको देख के इसको करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सरकार की अफसरशाही के अंदर कुछ अच्छा करने की शक्ति इच्छा शक्ति होगी तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट यहाँ ऑर्डर दे देता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होता नहीं होता। ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है, जिन लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वही इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं करते। तो यहाँ पे कह सकते हैं निचले स्तर पे जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया, जिनको ऑर्डर दिया है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन को एक प्रॉपर रूल दिया गया है कि आप इस तरह से जिनको डीडीए की जमीन अलॉट है वो फीस नहीं बढ़ा सकते, फिर भी बढ़ा रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे कौन देख रहा है? कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है लेकिन जो नहीं मारे उनके खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है? तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक कोर्ट की तरफ से होना चाहिए कि जो आपने ऑर्डर दिया है क्या उसका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके आदेश की अवमानना यहाँ पर हो रही है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। देखिए, बड़ी सरिता, इसमें वो सिंपल सी चीज ये है कि जिस वक्त अफसरशाही बात करती है कि 2002 का एक ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद वो अगले ऑर्डर्स को इग्नोर कर देती है। 2003 में इस्लामिक एकेडमी का ऑर्डर है, 2004 में मॉडर्न स्कूल का ऑर्डर है, 2009 में मॉडर्न स्कूल की रिव्यू पिटीशन पे ऑर्डर है, फिर 2017 के अंदर कई तरह की कई स्कूलों की पिटीशन है कोर्ट में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चलिए मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगी, मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए 26 मई को ही, आज 2 दिन और एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो 3 साल के दौरान आपको लगा है कि स्कूलों के लिए सरकार ने कुछ किया है, आप उनसे सहमत हैं? देखिएगा, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट से उम्मीदें जनता को हैं, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन फील्ड में वो काम नहीं हुआ है। क्यों? उसका रीजन ये है कि एजुकेशन एक सभी से जुड़ा पार्ट है, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला बंदा हो, या एक नॉर्मल काम करने वाला बंदा हो, या कोई आईएएस हो, आईएफएस हो, कोई भी हो, या बिजनेसमैन है, या नॉर्मल बंदा है, तो हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट है कि मोदी सरकार एक केंद्र की तरफ से जो यहाँ पर हम बात करें, हर राज्य का यहाँ पर बात छोड़ के अगर हम लोग बात करेंगे, केंद्र अगर पूरे राज्यों के स्कूलों में एक जैसा फीस फिक्स्ड कर दें तो कैसा रहेगा? नहीं, ये बड़ा अच्छा सुझाव है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी जी मन की बात हर महीने आज ही की है। हाँ बिल्कुल, मन की बात करते हैं वो, और बच्चों से वो स्कूल में जाके भी, जब स्टार्टिंग में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो स्कूलों में भी काफी गए थे उस टाइम पे, तो बच्चों से वो बात भी करते थे। तो मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि मोदी जी जब किसी चीज को इतना अच्छा समझते हैं, उनकी इतनी अच्छी पकड़ है, तो वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कूल इस तरीके से फ्री हो चुके हैं कि वो पेरेंट्स को, जैसे बच्चे का अपहरण नहीं कर लिया जाता कि आप इतने पैसे ले आओ और बच्चे को छोड़ देंगे, सेम पोजीशन की हुई है, आपको पढ़ाना तो है ही, है ना, अच्छी एजुकेशन के चक्कर में आप बच्चे को स्कूल में डालते हैं कि चलो अच्छा स्कूल है भाई इसमें आप वो उसका इस कदर बेनिफिट उठा रहे हैं कि पेरेंट्स मतलब कुछ कर ही नहीं पाते बेचारे। तो चलिए भटनानी जी, आपको भी यही लगता है कि केंद्र की तरफ से एक बिल होना चाहिए जो इक्वली सभी राज्यों पे इम्प्लीमेंट हो, सभी स्कूलों पे? देखिए मैडम, बड़ी सीधी सी बात है, आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन मुझे शिक्षा का अधिकार देता है, जिसमें आर्टिकल 21 ए कहता है कि शिक्षा मेरा फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन इज नाउ माई फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से केवल इतनी अपील करूंगा कि
जो फंडामेंटल राइट है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को आप सभी वर्गों के लिए पूरे देश में एक समान नीति के हिसाब से फ्री कर दें, यानी फ्री एजुकेशन की यहाँ पर आप मुद्दा उठा रहे हैं जी। तो फ्री एजुकेशन चलिए मानिए यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आप खुद अभिभावक मलिक जी, आप भी अभिभावक हैं, तो क्या अपने बच्चों को आप एक सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मैं उसका रीजन है क्वालिटी। सरकारी स्कूल की जो आज की तारीख में क्वालिटी है, जो लेवल है, वो इतना डाउन हो चुका है कि वहां पे कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। और गवर्नमेंट उन स्कूलों पे, सरकारी स्कूलों पे जिस तरीके से पैसा खर्च करती है, जिस तरीके से वहाँ टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, अगर आप उसका स्तर देखेंगे तो कोई भी, वो खुद ही नहीं चाहते, यानी जो उनको अपॉइंट करते हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाएं। लेकिन कई सारे आज के डेट में प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं कि वहां पर भी जो एक डेवलपमेंट बच्चे के माइंड का होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, वो नहीं मिलती। कई सारे केस ऐसे भी देखे। कल की बात, एक पेरेंट्स यही हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनका बच्चा फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जो टेस्ट होता है एंट्रेंस के लिए वो पास नहीं कर पाया, क्योंकि उसको उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये भी कहनी शर्मनाक बात है कि इतनी महंगी फीस आप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतने वेल ट्रेंड टीचर्स वहां पर हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। एक तो क्रॉस चेकिंग नहीं है जी, कहीं पे भी क्रॉस चेकिंग भी नहीं है, क्रॉस चेकिंग पे कहीं नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा रीजन एक मैं कहता हूँ, इसका सोल्यूशन जो है, अगर मोदी जी चाहें, यहाँ पे ये बात निकल कर सामने आई थी, बच्चे को ट्यूशन भी अलग से पढ़ना होता है, जिसके लिए 5,000 रुपए महीने पेरेंट्स को वो अलग से देने। अगर मोदी जी चाहें तो वो एक काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो भी बंदा है, चाहे वो पियोन हो या आईएएस हो, ए से लेकर जेड तक, जिस वक्त वो जॉब ज्वाइन करता है उससे एक शपथ पत्र लिया जाए, और उस शपथ पत्र में क्लियर ये लिखा हो कि आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, आप कुछ ही दिनों के अंदर ये स्कूल जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इनका लेवल अपने आप ठीक होने लगेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि जो भी सरकारी अफसर हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो खुद का खुद वो अपने बच्चों की पहली कंडीशन है। अभी आप, मैं बताइए, मेडिकल जो MBBS डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कंडीशन लगाती है कि आपको जो भी आपकी फीस है या जो भी उसमें आपको जो छूट मिलेगी वो तब मिलेगी अगर आप 5 साल स्टार्टिंग में गांव में जाएंगे। अच्छा, ये इस तरह का गवर्नमेंट का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट का वो है। इसमें सरिता पिछले साल की बात है, पीछे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, जिनके बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जाके सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन ये सरकारी अधिकारी खुद कोर्ट में जाके उसके ऊपर स्टे ले आए, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकारी स्कूलों की हालत कितनी ज्यादा खराब है। और इस दिशा में मैं आपको बताता हूँ, जो सीमा त्यागी जी जो मेरे साथ गई थी, उन्होंने हम लोग गवर्नमेंट के सामने, सीमा त्यागी जी का ये सुझाव है जो हम रखने भी जा रहे हैं, और उन्होंने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। हम एक एक सरकारी स्कूल गोद लेने की बात कर रहे हैं, बहुत, हम अभिभावक अच्छी पहल आप लोग ये कर रहे हैं, और हम उसका 2 साल के लिए लेके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ किसी भी जो आसपास का उसके बराबर का प्राइवेट स्कूल होगा उसके बराबर खड़ा करके हम गवर्नमेंट को हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमें आदेश दे कि आपको ये काम करना है, हम करने के लिए तैयार हैं, और हम उन्हें ये करके दिखाएंगे कि जो काम आपके सरकारी मशीनरी नहीं कर सकती वो काम हम आपको करके धीरे धीरे के करके आप जितने गवर्नमेंट स्कूल है उनको कर आप सकते हैं। बिल्कुल डेवलप करने की आप पूरी कोशिश करेंगे, फंडिंग वगैरह आप चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आपको मिले। इसके लिए सीमा त्यागी जी ने ऑलरेडी काम शुरू भी कर दिया है, जिसमें हमारे जो तीनों विधायक हैं इनका सहयोग भी हमें है, तो हम अभी इनके माध्यम से भी ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास हम भिजवा चुके हैं, इसके ऊपर जैसे ही ओके आएगा हम अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूलों की जो क्वालिटी, इसी वजह से पेरेंट्स वहां पर नहीं पढ़ाते, यही एक खास वजह यहां पर निकल कर सामने आती। बारिश का देखते हैं, जब सीजन आता है तो पानी भर जाता है स्कूलों में, बच्चों के स्कूल में वहां पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं, टीचर्स हैं उनको लेकिन नॉलेज नहीं होती है, बच्चों को पढ़ाएंगे यहां पर क्या? क्योंकि इस तरह से कई सारी ऐसी घटना और कई सारी ऐसी न्यूज़ हमने देखी है कि टीचर्स को कुछ आता नहीं है, तो बच्चों को क्या शिक्षा यहां पर देंगे? जो एक होता है टेस्ट होना चाहिए, टीचर का वेल ट्रेंड होने चाहिए, वो यहां पर नहीं होते हैं। तो ऐसे में कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि ऐसे में बच्चे पढ़े, तो इसीलिए मजबूरन उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। तो यानी आप दोनों की यहाँ पर जो बात निकलकर जो समझ में आ रही है कि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों का अगर यहाँ पे विकास होता है, टीचर से लेकर शिक्षा और सारी जो सुविधाएं वहां पर होती हैं अगर ठीक यहाँ पर होती हैं, तो आप लोग भी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सहमति से आप भी चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल में आपका बच्चा फिर पढ़े। देखिए बड़ी सीधी एक, 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 एक मिनट यहाँ पे बात करिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आंचल है मुजफ्फरनगर से, स्वागत है आपका आंचल, बात रखिए अपनी।
जी आंचल आवाज मिल रही है आपको। जी स्वागत है, बात रखिए। जी आंचल जी आप फोन लाइन पर हैं, बात कीजिए। लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से फोन कर सकते हैं टीवी के माध्यम से, यहाँ पर आप सुन रहे हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में अगर आपको भी कोई शिकायत है, खासकर अभिभावकों से यहाँ पर बात करूंगी, आपके आसपास के स्कूल हैं या फिर जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहां से कोई आपको शिकायत है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और नीचे हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप मेल करके भी अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे डिप्टी सीएम से, आपने मुलाकात की है और आने वाले सत्र में हो सकता है कि इस बिल को लेकर सरकार सामने जो है विधानसभा अध्यक्ष के सामने सारे बिल को यहाँ पर सामने रखे, तो उम्मीद यहाँ पर यही करेंगे कि जो आपकी मेहनत है, जो आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर काफी महीनों से कर रहे हैं वो एक रंग यहाँ पर लाए, और आपकी और सीमा जी की जो मेहनत है, एक नेतृत्व यहाँ पर आप कर रहे हैं पूरी गाजियाबाद की तरफ से, तो वो उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मिले। चलिए यहाँ पर हम बात करें थी स्कूल में, एक तो महंगी फीस होती है, साथ ही साथ उनको एक ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, तो वो एक अलग बोझ स्कूलों के ऊपर हो रहा है, तो क्या वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते, यहाँ पर इंडिविजुअली अटेंशन जो बच्चे को देनी होती है वो नहीं देते हैं कि उनको ट्यूशन पढ़ना पड़ता? मलिक जी आप सर, मैं ना ये बात आती है क्वालिटी की, स्कूल में होता क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स हैं। चलिए जवाब एक मिनट आपसे लूंगी, आंचल जी दोबारा कनेक्ट हो गए, इनसे बात कर लेते हैं पहले। जी बात रखिए अपनी। हाँ जी मैडम, हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं एसटी मैनेजमेंट है उसका नाम जी, वहाँ पर हमारी फीस ज्यादा ली जाती है एक तो, और फिर ऊपर से सरकार हमारी स्कॉलरशिप नहीं भेजती। फीस ज्यादा ली जाती है? हाँ, और स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाती है, बाकी कॉलेजों की फीस भी कम है और उनकी स्कॉलरशिप भी आती है। अच्छा, तो मतलब बाकी स्कूल में स्कॉलरशिप आती है और फीस कम होती है, मतलब कि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो हमारे उनकी फीस कम है और उनकी स्कॉलरशिप। कौन सी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्या आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? हम बीबीए कर रहे हैं। बीबीए? अच्छा, आप खुद बीबीए कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो मुद्दा है, हम स्कूलों की यहाँ पर बात करें कि स्कूलों में जो मनमानी फीस ली जाती है वो यहाँ पर मुद्दा है, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है और बहुत ज्यादा फीस आप लोगों को उसकी देनी होती है तो उससे जुड़ी परेशानी आप यहाँ पर बता सकते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपने फोन किया है। तो यहाँ पर यह भी है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी कि हायर आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं समस्या है, तो कॉलेज इंस्टीट्यूशन के लिए भी कहीं ना कहीं एक जो होता है फिक्स्ड फीस अगर उनके लिए भी होते, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग फीस होती है, लेकिन उसकी भी शिकायतें यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल आप स्कूल से जुड़ी कोई परेशानी है तो बताइए। मलिक जी आपसे मैं बात करी थी कि आपके बच्चा खुद 9th क्लास में है, तो क्या उसके लिए भी ट्यूशन आप पढ़वाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी ट्यूशन लगाया हुआ है, वो अलग चार्ज है, और जो ट्यूशन फीस है वो अलग चार्ज है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो अलग हैं, ड्रेस हैं वो अलग हैं, बुक्स अलग हैं, यानी हर इतने चार्जेज हैं कि आज की तारीख में आप ये समझ लेगा एक बच्चे को पढ़ाना पहले के 10 बच्चों के बराबर है आज की तारीख में। बिल्कुल, वो इसी वजह से है कि एजुकेशन को आपने बिजनेस बना दिया है, जो एक इतना अच्छा काम था उसको आपने बिजनेस बना दिया, और बिजनेस आपने क्यों बना दिया है? बिल्कुल, यहाँ पे यूपी बोर्ड की बात करें तो एक ये भी कहा गया कि आने वाले सत्र में जो एक सीबीएसई का सिलेबस है यूपी बोर्ड में वो रहेगा, और उसमें बुक्स जो होंगी एनसीईआरटी की, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग पब्लिशर की बुक लाने को कहते हैं, ये यहाँ से खरीदे यहाँ से खरीदे, एक वो अलग प्रेशर अलग से है, और भाई रेट भी आप कह सकते हैं जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा लिया जाता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम सीमित होगा, इस सीमित समय के अंदर उसकी पढ़ाई करनी होगी, समय पे ठीक से एग्जाम होंगे, तो इसके लिए यूपी बोर्ड कहीं ना कहीं एक कोशिश यहाँ पर कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी खबर अगर ये पास हो जाता है सत्र में। तो गवर्नमेंट अगर कुछ चीजों में सुधार कर ले ना, अगर वो हर चीज में एक टाइम लिमिट चीजें रखें, यानी कोई भी पॉलिसी वो लागू करती है तो उसमें टाइम लिमिट भी वो मेंशन कर दे, तो उसका जो असर है वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट टाइम लिमिट रखे कि हमने इसका जो हल है वो इस टाइम तक निकाल लेना है, ठीक है ना, तो जो आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है वो एक्टिव होगी। होता क्या है कि हमें डिले करने की ऐसी आदत हो चुकी है सभी को, बिल्कुल सभी को होता है, आश्वासन होता है, बस आश्वासन होता है, मतलब इस वक्त आप उसको हल कर दो, बस इस वक्त कर दो, बाकी बाद में देखते हैं क्या होता है, तो वो जो बाद में देखते हैं वो इतना बाद में हो जाता है कि फिर उसका कोई हल ही नहीं हो पाता। बहरहाल यहाँ पे ये देखेंगे कि अभी आप यहाँ पे आश्वासन जो डिले की यहाँ पर बात करें, आप एक मुहिम यहाँ पे जो छेड़ी है कि एजुकेशन
मैं थोड़ा सा रेवोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा आया तो उसके लिए आप लोग मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मेहनत है उसका कुछ ना कुछ आपको जरूर यहाँ पर फल मिले, क्योंकि ये भी हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में कितना और डिले यहाँ पर सरकार करती है, स्कूल में मनमानी फीस को लेकर क्या कुछ नियम यहाँ पर जल्द से जल्द बनाती है, ये यहाँ पर देखना होगा कौन सा राज्य यहाँ पर पहले यहाँ पर कदम उठाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी जो कोर्ट है वो बहुत सारे केसों में खुद संज्ञान ले लेती है, न्यूज़पेपर में या मीडिया में जो भी आती है उसके हिसाब से वो केस वो ले लेती है, तो मेरा ये मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एजुकेशन में जिस तरीके से लूट है वो इस तरीके इसको संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, यानी कि कोर्ट से भी आपको यहाँ पे नाराज किया कि वो भी संज्ञान यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। बहरहाल बिल्कुल नाराज है, अभी कुछ अच्छे अच्छे फैसले आए हैं, अभी 3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि दिल्ली के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं जिन्होंने भी एक्स्ट्रा फीस बच्चों से ली है वो लगभग 350 करोड़ के आसपास है, वो विद इंटरेस्ट आपने हमारी चर्चा आगे जो कार्यक्रम है उनमें जारी रही है। बहरहाल यहाँ पे समय कम है तो आप लोगों से माफी चाहूंगी, यहाँ पे समय कम है, आप लोगों हमारी कार्यक्रम में आए इसलिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। तो बहरहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हम अगले शनिवार रविवार को फिर से हाजिर होंगे, स्कूल के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको अगर कोई परेशानी स्कूल प्रशासन से जुड़ी हुई तो आप हमें मेल करके लिख सकते हैं, साथ साथ आप फोन करके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।